अरे 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 पानी बचाओ, अभी गर्मी आएगी, टैंकर के पीछे भागते फिरोगे फिर। और ये क्या हुलिया बना रखा है भिखारियों जैसा, इतने बड़े घर के बच्चे हो और उसके बाद ऐसी हरकत। तुम्हें पता है इन रंगों में कितना केमिकल होता है? अरे बड़े हो गए हो, कब सुधरेगी तुम्हारी ये हरकतें? क्या हो गया अंकल? तुम कौन? लगता है नहीं पहचाना जी अंकल, बताएं। अबे तू क्या हो गया यार, अब क्या आदमी होली के दिन होली भी नहीं खेले? यार मेरे को तो समझ नहीं आता, नई नई चौदह आप लेकर कहां से आते हो? साला होली के दिन आके बोल रहे हो होली मत खेलो, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन होता है। दिवाली दशहरे के दिन आके बोलो कि यार फटाके मत जला करो, एयर पॉल्यूशन होता है। एक काम करो ना, नवरात्रि बना नहीं बंद कर देते क्योंकि उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है। पतंग उड़ाना बंद कर देते हैं क्योंकि उससे ना ये चिड़िया के पंख कट जाते हैं। यार एक बात तो बताओ, आदमी सारे फेस्टिवल बनाना बंद ही कर देता है ना क्योंकि भोसड़ी का तेरे को पसंद नहीं है? यार मेरे को समझ नहीं आता, इंडिया में ना एक नई चोट चालू हुई है। चार इंटेलेक्चुअल लोग आगे खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये चीज सट्टी है, तो पूरा इंडिया मान लेता है कि ये चीज सट्टी है। क्यों? क्योंकि उन इंटेलेक्चुअल लोगों ने बोल रखा है। अरे यार खुद का कोई ओपिनियन है भी या नहीं यार? तुमको होली खेलना खेलो, तुमको होली नहीं खेलना मत खेलो यार। हमको तो तुमको तुम्हारे घर में से बाहर निकाल के रंग लगा रहे तुम्हारे मुंह के अंदर। यार एक बात बताओ, पानी बचाना है ना तो नदी के पास जो लोग उसमें जाके कचरा फेंक रहे हैं या फिर जो कपड़े धो रहे हैं ना, उन लोगों से जाके बोलो कि वो लोग पानी बचाए। उन लोगों को रोकना यार भैया, हमको क्यों रोक रहे हो? पर एक बात बताओ, इंसानियत तुम्हारी उस दिन कहां गई थी जिस दिन तुमने तुम्हारे घर के अंदर सोफिट की बोरिंग कराई थी? उस दिन तुमने वाटर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करवा ली? यार मेरे को तो लगा था शर्मा जी तुम तुम्हारा साथ दोगे यार। एक बात बताओ ना, आज की तारीख में कौन सा बच्चा तुमको घर के बाहर निकलते हुए और गिल्ली डंडा खेलते हुए दिखता है? कोई क्रिकेट तक नहीं खेलता भाई साहब, सब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और सबके सब एफबी पे ऐसी जीआईएफ भेज देते, होली विश कर देते हैं। अरे भैया एक बार सामने आके बोल लो हैप्पी होली, अरे सबके सब जीआईएफ में विश कर लोगे क्या? अरे तुमको पता है अंकल, सफेद कुर्ता पजामा पहन के एक कलर यहाँ लगा के एक कलर यहाँ लगा के और डीपी चेंज करते हैं, एफबी को क्या बोलते हैं? होली बी लाइक। अरे साला हम हमारे जमाने में सफेद कुर्ता पजामा पहन के अगर होली खेलने निकल जाते ना तो माँ पिछवाड़े पे ऐसा लठ देती कि साला पूरी की पूरी रंगपंचमी बन जाती हमारी। और एक बात बताओ यार शर्मा जी, आपके जमाने में माँ तुमको ऐसे तेल से पूरा लत्तों को तैयार नहीं करती थी क्या? अरे हमको तो करती थी यार, पूरा रथ बात ऐसा शेरों की तरह खड़ी करती थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसे ऐसे जगह रंग लगने वाले ना कि आदमी के आदमी साली ब्लैक एंड व्हाइट चड्डी पूरी की पूरी लाल हो जाएगी, और अगर पूरे शरीर पर रंग लगा हुआ आदमी तुमको भिखारी नजर आ रहा है ना शर्मा जी, तो तुम्हारी रईसी से तो हमारा भिखारी होना अच्छा है। और तुम किस केमिकल की बात कर रहे थे? यार एक बात बताऊं शर्मा अंकल, तुम्हारे शैम्पू से लेकर पूरी की पूरी नेल पॉलिश तक, अरे सारी की सारी चीजें तो केमिकल से रंगी हुई है यार, अब कौन सा केमिकल आएगा तुम्हारे लिए? पर अंकल तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं है तो मत रखो यार, हमारी जिंदगी रंगी ना, हमको तो होली मनाने दो। पर एक बात बता दूं आपको, ये जो हाथ में कोडिंग लेकर खड़े हो ना, तो एक लीटर कोडिंग के लिए 40 लीटर से ज्यादा पानी यूज होता है, तो अपना जान भर लेना अपनी कान में और हम उन्हें नजर मत आना, चल भाग। अरे अंकल एक मिनट, बुरा ना मानो, होली है।